जैसे शिष्य बनने के लिए दूसरों को शिष्य बनाना होता है, वैसे ही दूसरों के दिल में शिव को के प्रति अपनापन जगाइए, आप आपके दिल में शिव के प्रति अपनापन जगेगा। स्वतः कोशिश करेंगे, खुद ब खुद कोशिश करेंगे, नहीं होगा। हमने एक बार महादेव से कहा कि मेरी सबसे बड़ी पीड़ा यही है, सबसे बड़ा दुख यही है कि लोग शिव चर्चाएं खूब कर रहे हैं, उनकी चर्चाओं के बाद तालियां भी बहुत बजती हैं, उनकी प्रशंसा भी होती है कि खूब चर्चा करते हैं, बड़े अच्छे हैं, बड़ी अच्छी चर्चा करते हैं। लेकिन मैंने उनको बहुत गौर से देखा, अब बहुत गौर से देखने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। आपका सामान्य सा आचरण बताता है कि आपकी मन स्थिति कहाँ है, हमारी मन स्थिति कहाँ है, एक मेरा मामूली सा आचरण बता दे। तो मैंने महादेव से कहा कि मेरी सबसे बड़ी पीड़ा यही है कि लोग शिव के शिष्य बन तो रहे हैं, चर्चाएं भी बढ़ रही हैं, चर्चाएं भी लोग कर रहे हैं और अच्छी चर्चा कर रहे हैं, बिल्कुल कॉन्सेप्ट पर कर रहे हैं, जिसको अवधारणा बोलते हैं, अवधारणा पर कर रहे हैं, सही से ही बोल रहे हैं, वो गलत नहीं बोलते हैं, दूसरों को परगनाते भी नहीं है वो। लेकिन उनके दिल में उस महादेव के प्रति दर्द नहीं पैदा हुआ। इसका उपाय क्या होगा? कल रात में भी मैं कह रहा था, लोग बैठे हुए थे, हमने कहा कि जैसे बंगाल में पुलिस ने कह दिया था भीड़ देख के कि आमी पार्बो नहीं, भीड़ ज्यादा थी और हम लोग पुलिस की मदद चाह रहे थे और पुलिस ने हाथ उठा दिए कि आमी पार्बो नहीं, मतलब इस भीड़ को हमसे नियंत्रण हमसे नहीं होगा। तो हमने भी महादेव से कहा आमी पार्बो नहीं, हमसे नहीं होगा। लेकिन ये कह देने से तो काम नहीं चलेगा, आमी पार्बो ना ये कह देने से तो काम नहीं चलेगा, हमको आपको तो कोशिश करनी हो, प्रयास करना हो। तो उस शिव को अपना समझ सकें हम आप, और जैसे जैसे अपना समझेंगे गुरु कार्य को भी अपना समझने लगेंगे, गुरु भाइयों और बहनों को भी अपना समझने लगेंगे। शिव को अपना समझेंगे तो उनसे जुड़ी हुई सारी चीजों को अपना समझेंगे, बिल्कुल स्वाभाविक। किसी आदमी को आप प्यार करते हैं, उसके सामान में आग थोड़ी ही लगा देते हैं, उसको सुरक्षित रखते हैं, पत्नी का कपड़ा ऊपर में पसरा हुआ है, धूप में सुखाया जा रहा है, भीग मैंने धुलने के बाद बादल घिरा है, पत्नी बाजार गई है, क्या करिएगा, उन कपड़ों को भींगने दीजिएगा या उठा के रखिएगा? बिल्कुल स्वाभाविक है उठा के रखेंगे, कपड़े भींगेंगे क्यों, सूखे कपड़े हैं। यानी पत्नी से प्यार है तो उसके कपड़ों से भी प्यार, तो शिव से प्यार है तो शिव के लोगों से, शिव के शिष्यों से, शिव की व्यवस्था से, शिव के कार्य से भी मोहब्बत होगी, और तब लगेगा कि हम आप शिव के सचमुच में शिष्य होते चले जा रहे हैं। अभी लग रहा है कि हम लोग चर्चा के शिष्य होते चले जा रहे हैं, या कह सकते हैं हम नमन शिवाय के शिष्य, अब तो नमन शिवाय के शिष्य लोग कम है, मर गए। होना तो चाहिए कि शिव के शिष्य बने हम, माध्यम मंजिल थोड़े ही है। ये तीन सूत्र आपके हमारे सहारे के लिए, हमने कई बार चर्चाओं में कहा कि ये तीन सूत्र तो हमारे आपके मन को इस याद में रखते हैं कि शिव हमारे आपके गुरु हैं। हम आप इस याद को भूल नहीं जाए, और कोई याद या कोई विचार जब आपके मन में बहुत दिनों तक रह जाता है तो ये भाव का रूप लेता। आज तक भारतवर्ष में भाव की व्याख्या नहीं हुई, लेकिन हमने कहा कि कोई विचार जब बहुत दिनों तक आपके मन में घर कर जाएगा तो वो भाव का रूप लेगा। किसी से दुश्मनी है, अगर विचार खड़ा रह गया तो दुश्मनी का भाव पैदा होगा। उसी तरह से दोस्ती का है, उसी तरह से पति पत्नी का है, उसी तरह से भाई बहन का है, उसी तरह से गुरु शिष्य का है। और जैसे भाव पैदा होगा, मैंने कहा है आपको कि अध्यात्म का कोई भी इंजन, कोई अध्यात्म की कोई भी मशीन, अध्यात्म का कोई भी क्षेत्र भाव की कुंजी से ही खुलता है। वो मारन उच्चाटन सम्मोहन हो या फिर आसमान की ऊपर की शक्तियां हो,
वो खुलेगी, वो चीजें खुलेंगी, आपके निकट आएंगी, आपसे उनका सानिध्य तभी होगा जब भाव की कुंजी का इस्तेमाल होगा, अन्यथा नहीं होगा। कुछ चीजें हैं जो भाव से ऊपर भी हैं, जैसे श्लोक में कहा गया ना, भावेन लभते देवता, भावेन कैसे कैसे है देव दर्शनम। तो भाव से देवता तो लब्ध है, लेकिन महादेव तो देवता से ऊपर न है, नाम में बोल रहा है महादेव। भावेन लभते देवता न है, तो देवता में महादेव तो आता नहीं, वो देवताओं का भी बॉस है, नामे शब्द ही बोलता है महादेव। वहां थोड़ा और भाव जब प्रगाढ़ होगा और प्यार के धरातल के नजदीक पहुंचेगा, तब महादेव की कुर्सी डगमगाएगी, यानी आप महादेव के सानिध्य में जाने लगेंगे। और मैं यही चाहता हूं कि आप महादेव के सानिध्य में जाएं, आप शिव के सानिध्य में जाएं। शिव आपके गुरु हैं तो सचमुच में आपके गुरु हों, हमारी आपकी स्थिति ऐसी होनी चाहिए। ऐसा है नहीं, मैं टेस्ट भी करता हूं, जो ही बुद्धि है थोड़ी सी, मैं जांचता भी हूं और लोग हार जाते हैं। अगर शिव का सहारा होता तो हवा का झोंका वो तो बर्दाश्त कर लेते, नहीं करते, कर्म फल उनको पकड़ लेते हैं। बहुत सारे कर्म तो हैं जो कर्म फल कर्म के बीज हैं, जो शिव के थोड़ा सानिध्य में जाइएगा तो स्वतः दग्ध हो जाते हैं, उनको कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। और मुझको लाचारी कहना पड़ता है, पास आइए हम नहीं आएंगे बार बार, ये लाचारी है मेरी, क्योंकि आप शिव के निकट जा नहीं पा रहे, तीन सूत्रों में लिपट के रह गए। ठीक है, तीन सूत्र गलत नहीं है, वो शिव द्वारा प्रदत्त हैं, शिव ने दिए हैं, लेकिन उनको उनसे लिपट के रहना तो नहीं है, वो तो आपको दिया गया है साधन, जिसे दुनिया को आप शिव से तो बना सके, खुद भी बन जाए। हमारे आपके कर्मफल जो हैं, जो बाधक बनते हैं, उसके लिए हमको कहना पड़ता है वही फिल्म वाली लाइन, पास आइए हम नहीं आएंगे बार बार। अगर हमारा आपका शिव से थोड़ा भी सानिध्य होता तो इस पंक्ति का कोई अर्थ नहीं रह जाता। इस दिशा में कदम बढ़ाने की जरूरत है, और इसका उपाय सीधा है, खुद ब खुद नहीं होगा, ये अपनी कोशिश से नहीं होने वाला। कोशिश क्या होनी चाहिए, दूसरे शिव को अपना समझें, ये कोशिश होनी चाहिए। हमारा आपका मन धीरे धीरे उस शिव को अपना समझने लगेगा, और जैसे जैसे किसी चीज को अपना समझने लगेगा, आपके आचरण में क्या उतरेगा ये तो बोलने की जरूरत नहीं है। आप यहां से उतरेंगे, चप्पल तो निर्जीव है, कुछ नहीं बोलेगी, आप अपना चप्पल ढूंढेंगे कि नहीं ढूंढेंगे, और ढूंढ लेंगे आप, देखिए अपनापन है। तो शिव से जैसे जैसे अपनापन थोड़ा थोड़ा बढ़ना शुरू करेगा, आप उनकी चीजों से, उनके लोगों से, उनकी परिधि में जो लोग आते हैं, सबसे आपका सामीप्य बढ़ेगा, नजदीकी बढ़ेगी, अपनापन बढ़ेगा। आपकी दुविधाएं, आपकी असुविधाएं, आपके द्वंद, आपके कष्ट खुद ब खुद घटने लगेंगे, कम हो जाएंगे, छोटी मोटी परेशानियां ऐसे ही खत्म हो जाएंगी, आएंगी नहीं। बड़ी परेशानियां हैं तो कौन इसकी फिक्र करता, यहां तो आता ही आदमी जाने के लिए, कौन इसकी चिंता करता। इस दिशा में कदम बढ़ाना कि दूसरे अपना समझें उस महादेव को, उस गुरु को, इसमें कोशिश करनी है। और जो लक्ष्य है हमारा 2015 का, उस दिशा में प्रयास करना है। जिसको जहां जैसा मौका मिलता है उसको उस शिव से लोगों को जोड़ने की कोशिश करनी चाहिए। मैं नहीं कहता कि आप बॉम्बे जाइए, मद्रास जाइए, यहां जाइए, वहां जाइए, जिनके पास उपाय हैं, साधन हैं, वो जाएं। जो नहीं जा सकते हैं, जहां रहेंगे वहीं करेंगे, क्या करेंगे, चर्चा करेंगे, नहीं लोगों को शिव का शिष्य बनाएंगे, चर्चा माध्यम है, दूसरा सहारा लेना ही पड़ेगा आपको, चर्चा सीढ़ियां हैं, छत थोड़ी है वो।
इसका सहारा लेंगे हम लोग, तीन सूत्रों का सहारा लेंगे हम लोग और लोगों को शिव का शिष्य बनाएंगे, उस शिव को धरती पर उतारेंगे हम लोग। लोग मुझसे कहते हैं कि आप आइए मेरे यहाँ, आइए मेरे यहाँ, आइए मेरे यहाँ आइए, मेरे तो कान पक गए। मैंने कहा भैया 34 साल से मैं घूम रहा हूं, नौकरी में भी था तब भी घूम रहा हूं। कहने का अर्थ हुआ धरती का काम भी कर रहा था तब भी घूम रहा हूं। आप कब घूमेंगे भाई साहब? मैं तो घूम रहा हूं। कहिएगा कि आपको कोई काम नहीं था, बिहार सरकार में डिप्टी कलेक्टर में बहाली हुई, मैं संयुक्त सचिव के पद पर रात तक गया, मैं वहां भी तो घूम ही रहा था। रिटायर किए कितना साल हुआ? 5 साल हुआ, 8, 5, 13, 6 साल हुआ। लेकिन आप कब घूमेंगे भाई साहब? मुझको क्यों बुलाते हैं आप? और मेरे दुख का विषय है कि मुझको बुलाते हैं आप, देवाशीष को बुलाते हैं आप, मंडल जी को बुलाते हैं आप, अगल बगल के जो पुराने कुछ हो गए हैं और चर्चा करते हैं उनको बुलाते हैं आप। मुझको लगता है ये आदमी कैसा है जो दूसरों को बुलाता है? इसको शर्म नहीं आती क्या? इसको क्यों नहीं दूसरे बुलाते हैं? आपको क्यों नहीं दूसरे बुलाते हैं? आप दूसरों को क्यों बुलाते हैं? आप भी महादेव के शिष्य हैं, वो भी महादेव का शिष्य है, तो फिर आप उसका उसकी उसके प्रति श्रद्धा रखें। आप उसके प्रति जो आपको क्या कहते हैं अनुशासन और जो शालीनता की जरूरत है वो रखें, आप उसका आदर करें आप। लेकिन आप बुलाते हैं दूसरों को, सीनियर गुरु भाई हैं। अरे आप कब पढ़िएगा? आपको लोग क्यों नहीं बुलाते? एक एक शिव शिष्य को दुनिया बुलाए तब न वो शिव का शिष्य। हनीनान को बुला रहे हैं, 5 आदमी हैं उनको बुला रहे हैं। गलत नहीं है कि आप बुला रहे हैं, लेकिन बड़े शर्म की बात है कि आपको क्यों नहीं लोग बुला रहे हैं। वैसा बनना होगा और बनने के लिए रास्ते खुले हुए हैं। ऐसा थोड़ी है कि आपके रास्ता हो तो धुआं है या बंद है या सकरा है। आपका भी रास्ता खुला हुआ है, आप मुझसे जो मदद लेना चाहिए ले लीजिए, मुझसे तो मदद लेते ही नहीं है। अपनी टफली अपना राग गाते हैं आप, इससे तो नहीं चले। या तो मुझसे लीजिए नहीं तो महादेव से लीजिए, बीच में तो दूसरे से लीजिएगा तो मामला गड़बड़ हो सकता है। मैं आपको मदद देने को तैयार हूं, मदद देने को तैयार हूं, लेकिन ये सोच के तैयार हूं कि आप महादेव से मदद लीजिए। क्यों नहीं लेते हैं आप? ऐसा थोड़ी है कि उसका उसने कह रखा है कि मैं हरिनारायण को जानता हूं और किसी को नहीं जानता हूं। वो जितना मेरा है उतना आपका है, उसके जितने हम हैं उतने आप हैं, तो सबको पढ़ना है आगे ना। और इलाके में मैंने जाना छोड़ दिया, परिस्थितियां भी कुछ वैसी हो गई हैं, मैंने जाना ही नहीं, जाना ही कम कर दिया। और कितना जाऊंगा बता दें आप, कब तक जाऊंगा बता दें आप। आखिर शरीर की एक सीमा है कि नहीं है? मन की सीमाएं नहीं है, लेकिन शरीर की तो सीमा है। भाई देह की तो एक सीमा है, मन की उड़ान बड़ी लंबी चलती है, शरीर की उड़ान तो लंबी नहीं चल सकती। तो आपको आगे बढ़ना और मैं आपको आगे बढ़ाना चाहता हूं। या आपके अलावा करीब करीब 2-3 हजार लोग और हैं जो आपको दिख नहीं रहे, कुछ इस मैदान में खड़े हैं, कुछ सोफा पर बैठे हैं, कुछ इधर उधर हैं। तो आपको आगे ना बढ़ना है भैया, वो सुन रहे हैं मेरी बात, आप भी सुन रहे हैं। मैं आया हूं आपको शिव का आदमी बनाने, शिव से जोड़ने कि अपने ही जुड़ के चला जाऊं मैं यहां से। इस दिशा में प्रयास करना है, इस दिशा में लोगों को लेके चलना है। जहां है वहीं करेंगे, मौका मिलेगा तो बाहर जाएंगे, नहीं मिलेगा नहीं जाएंगे। और महादेव से अगर दया मांगेंगे आप तो क्यों नहीं जाएंगे? कैसे नहीं जाएंगे आप? इतना काम कर लिया, 3 करोड़ से ज्यादा लोग शिव शिष्य हैं, किसने किया है? हमने तो नहीं किया, आपने किया है, तो बाकी काम कौन करेगा?
आप ही हमको करना है, आगे बढ़ना है, लोगों को बढ़ाना है। ठीक है, अब आपके शरीर, कुछ लोगों के शरीर अब काम नहीं कर रहे हैं। अरे मन तो काम कर रहा है, बातें तो अभी तक हो रही हैं, शरीर में इतनी ताकत है कि आप बात कर सकते हैं। चलिए मोबाइल पर बात करेंगे, कितने पैसे लगते हैं? कुछ नहीं लगते। किसी तरह से कहा ना मैंने, मन से, वचन से, कर्म से लोगों को शिव गुरु की ओर अग्रसर करना ही हमारा आपका लोकाचरण है। शिष्य अनुभूति में लाइन है ना। तो चलिए वचन से मान लीजिए कोई आदमी अब बोल नहीं सकता, तो मन से करेगा, मनसा वाचा कर्मणा है, तो मन से करेगा, बोल सकता है वचन से करेगा, कर्म कर सकता है कर्म से करेगा। कुछ तो कोशिश होनी चाहिए, तीन ही साधन हम लोगों के पास, मन वचन और कर्म शिव शिष्यता में, इसी से करेंगे। कुछ नहीं होगा, महादेव से दया मांगेंगे, कुछ तो काम बढ़ेगा, आपकी सोच का भी तो असर पड़ता है। ये साधु क्या करते हैं? साधु दुनिया से चले जाते हैं, उनके मजारों पर मेले लगते हैं कि नहीं लगते हैं? उनकी समाधियों पर फूल चढ़ते हैं कि नहीं चढ़ते? मनोतियां और आपकी जो जिज्ञासा आकांक्षाएं पूरी होती हैं कि नहीं? तभी भीड़ है। वो अजमेर शरीफ हो, सलीम चिश्ती के अंदर का हो, या निजामुद्दीन औलिया का हो, या साधुओं की समाधि हो, वहां मनोतियां पूरी होती हैं कि नहीं होती? क्यों ऐसा हुआ? इसीलिए तो उनके विचार इतने सात्विक थे, उन्होंने वो खुदा के महबूब थे, उनको भगवान अच्छा लगता था, वो प्यार करते थे खुदा से, ये उनका चिंतन उस मिट्टी को प्रभावित किए हुए, जो आज भी जन सामान्य के लिए फलदायी है, उसकी इच्छाएं पूरी कर देता है कमोबेश। तो आपकी सोच का असर नहीं पड़ेगा, लोगों की सोच का प्रभाव पड़ता है, आपकी भी सोच का प्रभाव पड़ेगा। चलिए सोचे तो हम लोग कि लोग शिव के शिष्य बने, शिव को अपना समझें। हम लोग नहीं अपना समझ सकते, नहीं समझ सकते, चलो ठीक है, नहीं समझ सकते, हमारे कर्मफल ही ऐसे होंगे, हम नहीं समझ सकते, लेकिन दूसरे तो समझे। ये तो हमारी आपकी कोशिश होनी चाहिए। इस दिशा में लोगों को मोड़ने की जरूरत आपको पड़ेगी, शिव को, उस गुरु को अपना समझने की दिशा में लोगों को घुमाया जाए, प्रेरित किया जाए, आपके मदद की जरूरत पड़ेगी, आपके सहारे की जरूरत पड़ेगी। और अशोक भाई ने कहा कि खुल के कहिए, क्या कहूं। जयशंकर प्रसाद की एक कविता है, ले चल मुझे भुलावा देकर, भुलावा देकर, यानी बिना भुलाए दिए आप जाइएगा नहीं। ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, जिस सागर में कौन सी लहरी प्रेम कथा कहती हो, ऐसे करके वह शिव भी आपको भुलावा दे रहा, हमको भी भुलावा दे रहा, लेकिन हमको आपको जो भुलावा दे रहा है वो शिव पथ के लिए दे रहा है। ईश्वर के रूप में, परमात्मा के रूप में वही शिव आपको भुलावा देता है जगत में घुमाने के लिए, गुरु के रूप में वो भुलावा देता है शिव पथ में चलने के लिए, जगत से मोड़ता है वो, शिव की आदत है कि जगत को साथ लेके चलता है वो, और तब धीरे 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 जिस तरह से सांप केचिल छोड़ता है, उसी तरह से उनका शिष्य केचिल छोड़ता है और तब वो शिव की ओर निकल जाता है। आदेश स्पष्ट है, लोगों के दिलों में शिव को बसाना है, प्रति स्थापित करना है, वो है, इसीलिए हमने शब्द का इस्तेमाल किया, प्रति स्थापित करना है, फिर से करना है इस काम को, क्योंकि वो जो शिव है भारत की जमीन के एक एक कतरे में है, एक एक कण कण में वो शिव है, उसको कहीं से लाने की जरूरत नहीं। कहा ही जाता है कि भारत की संस्कृति में शिव है, संस्कृति में, सभ्यता में नहीं, भारत की संस्कृति में शिव है। लोगों के दिलों में उसको बैठाना है, इसके लिए प्रयास करना है, कोशिश करनी है। लोगों के दिलों में आप जैसे बैठाएंगे, वो आपके दिल में भी बैठना शुरू करेगा, आपका दिल भी उसी शिव के नाम पर धड़कना शुरू करेगा।
हमसे जितनी मदद लेनी है आप ले ली। मैं आपको खुले हाथों से मदद करने को तैयार हूं, क्योंकि मुझको आगे नहीं जाना। मैंने महादेव से कहा है, कई वर्षों से कह रखा है कि मुझको आने वाले कई करोड़ जन्म तक पैखाने का पिल्लुआ बना दीजिए, हमको कोई एतराज नहीं है, कुछ नहीं चाहिए मुझको, जितना दिया हुआ ढेर है, कुछ नहीं चाहिए मुझको, लेकिन एक शर्त है बस मेरी, आप लोगों के दिलों में बस जाइए। तो मुझको आगे नहीं जाना, मैं तो नीचे जाने को सोच रहा हूं, लेकिन शर्त मेरी एक ही है कि लोगों के दिलों में वो शिव आ जाए, वो महादेव आ जाए। आज में शिव हो जाएगा भाई साहब, सचमुच में हो जाएगा वो, उसके आचरण, उसके व्यवहार, उसकी बोली में शिव दिखेगा आपको, वह महादेव झलकेगा। हमारी आपकी कोशिश की जरूरत है, बस श्रेय ले लेना है। श्रेय मने समझते हैं ना भाई, एक गुरु भाई बोल रहा था ना कि काम वो कर रहे हैं, नाम हमारा हो रहा। श्रेय ले लेना ना, काम किया हुआ है, केवल नाम कमा लेना है कि हाँ आपने किया। लेकिन नाम कमाने में ये मत सोचिएगा कि मेरा नाम हो जाए, आपका नाम तो हो जाएगा जरूर, लेकिन इसकी तमन्ना मत करिएगा, क्योंकि जहां आपका अस्तित्व बोध खड़ा हुआ, जहां आपका मैं खड़ा हुआ कि हमने किया है, वहीं आप उस शिव से दूरी बढ़ा रहे हैं भाई साहब। जब तक शिव का अस्तित्व आपके मन में है, तब तक आप नजदीकियों की ओर जा रहे हैं, दूरियां कम हो रही हैं। जैसे हुआ कि हमने किया, अब हम खड़ा हो गया, मैं खड़ा हो गया, अब शिव धीरे धीरे आपसे अलग हो रहा है, अब मैं का अस्तित्व बढ़ रहा है। इसलिए कोशिश करिए कि मैंने किया इस बात को निकालिए मन से। आप मशीन है, आपको चला कोई और रहा है, हम आप मशीन है, चलाता कोई और है। बस श्रेय भर ले लेना है, श्रेय भर लेने के लिए थोड़ी कोशिश करनी। और याद रखिए, इस शरीर से, इस जीवन से उस शिव की भी थोड़ी बात हो जाए, आपके कुछ कहने पर कोई दो कदम शिव की ओर चल लेता है, इससे बड़ी बात हमारी आपकी जिंदगी में नहीं हो सकती, इससे बड़ा काम नहीं हो सकता कि हम शिव की दो बात कर लें और हमारी दो बात करने से कोई शिव की ओर दो कदम चल लेता है, इससे बड़ी बात नहीं हो सकती है। चलता तो शिव की दया से है, ठीक है, बोलते भी हम लोग उस शिव की दया से हैं, लेकिन उसकी दया है। आप कोशिश करें, और जिम्मा मैंने उठाया भाई साहब, ठीक है, मैंने किसके भरोसे उठाया ये मेरा विषय, लेकिन जिम्मा मैंने उठाया है, अब तो आपने भी उठाया है, इस जिम्मेवारी का हमको आपको वहन करना चाहिए। शिव मदद करें या न करें, वो दया करें नहीं करें, हम एक साथ हैं, हम आपके साथ हैं, आप मेरे साथ हैं, आसमान धरती पर।